किसी भी 3D प्रिंट को सक्सेसफुल होने के लिए ऑब्जेक्ट को प्रिंटिंग सरफेस पे स्टिक होना इम्पॉर्टेंट होता है और उसे बिल्ड प्लेट एडिशन कहते हैं। अगर वो स्टिक ना हो तो प्रिंट फेल हो जाता है। तो आज हम देखेंगे डिफरेंट सेटिंग्स यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ प्रिंट इन टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्लाइसर्स विच इज प्रूशा एंड क्यूरा। सो लेट्स बिगिन। प्रिंट जब स्टार्ट होती है तो वो तीन वे में स्टार्ट होती है। इट कुड बी स्कर्ट, ब्रिम और राफ्ट। लेट्स स्टार्ट विद स्कर्ट। स्कर्ट प्रिंट ऑब्जेक्ट के साइज को डिफाइन करता है एंड बिल्ड प्लेट पे कहाँ प्रिंट होने वाला है उसकी आउटलाइन मैप करता है। स्कर्ट का सबसे बड़ा यूज़ ये होता है कि एक्चुअल प्रिंट स्टार्ट होने से पहले ये नोजल को प्राइम करता है, जिससे एक्चुअल प्रिंट जब स्टार्ट होती है तो कोई लाइंस मिस ना हो या अंडर एक्सट्रूजन ना हो। प्रूशा में आप प्रिंट सेटिंग्स में जाके स्कर्ट्स एंड ब्रिम्स में देख सकते हो। वहाँ आपको अलग अलग सेटिंग्स दिख जाएंगे जो ईजी टू अंडरस्टैंड है, जैसे नंबर ऑफ लूप्स, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, स्कर्ट हाइट एंड सो ऑन। क्यूरा में आप सेटिंग्स टैब पर क्लिक कर सकते हो एंड फिर बिल्ड प्लेट एडिशन में आपको बिल्ड प्लेट एडिशन टाइप में स्कर्ट मिल जाएगा। फिर आपको स्कर्ट के सेटिंग्स मिल जाएंगे। स्कर्ट का और एक यूज़ ये होता है कि जब स्कर्ट बन रहा होता है तो आपको स्कर्ट की क्वालिटी से बेड लेवल है या नहीं ये पता चल जाता है, जिससे आप ड्यूरिंग द स्कर्ट प्रोसेस बेड लेवल को एडजस्ट कर सकते हो। फिर आता है ब्रिम। ये स्कर्ट के जैसा ही होता है, बट अनलाइक स्कर्ट ये लूप करके ऑब्जेक्ट को जाके स्टिक हो जाता है, जिससे बिल्ड प्लेट एडिशन के लिए और ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, बिल्ड प्लेट एडिशन भी बेटर हो जाता है। ब्रिम में भी वही सब एडवांटेजेस मिलते हैं जो स्कर्ट में मिलते हैं, जैसे नोजल प्राइमिंग, चेकिंग इफ द बेड इज़ फ्लैट। अगर आपके बेस पर एकदम माइन्यूट कॉन्टैक्ट सर्फेसिस है तो वहाँ भी ब्रिम बहुत यूजफुल होता है। प्रूशा में आपको इनफिल परसेंटेज के साइड में ब्रिम का ऑप्शन होता है, उसे चेक करना है। फिर प्रिंट सेटिंग्स में जाके स्कर्ट्स एंड ब्रिम्स में आपको ब्रिम के सेटिंग्स दिख जाएंगे, उसमें ब्रिम विड्थ को आप डिफाइन कर सकते हो। क्यूरा में स्कर्ट जैसे ही बिल्ड प्लेट एडिशन टाइप में ब्रिम मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आपको ब्रिम के सेटिंग्स मिल जाएंगे। ब्रिम ऐसे मटेरियल जो बेस से वॉक होते हैं, जैसे ABS, इनके लिए ग्रेट ऑप्शन है। ABS प्रिंट में ब्रिम से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है एंड वॉर्पिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है राफ्ट, जो हमने हार्डली कभी यूज़ किया है, बट यस, राफ्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपका बेड परफेक्टली फ्लैट ना हो, सो राफ्ट से एक लेयर बनती है जो फ्लैट होती है एंड उसके ऊपर प्रिंट स्टार्ट होती है। राफ्ट पर मटेरियल्स ईजीली स्टिक हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द बिल्ड प्लेट, क्योंकि ये सेम मटेरियल होता है। ये स्पेसिफिकली हाई टेम्परेचर मटेरियल्स के लिए बेस्ट होता है, जो बेड पर ईजीली स्टिक नहीं होते या फिर वॉक होता है, बट इससे प्रिंटिंग टाइम बढ़ता है एंड मटेरियल्स भी काफ़ी वेस्ट होता है एंड इससे बॉटम सर्फेस क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती। राफ्ट मोस्टली उन प्रिंटर्स के लिए स्टैंडर्ड होता है जिनमें हीटेड बेड नहीं होता, तो ये बेड एडिशन के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। प्रूशा में प्रिंट सेटिंग्स में जाके सपोर्ट मटेरियल्स के टैब में राफ्ट सेटिंग्स मिल जाएंगे, जिनमें आप राफ्ट के लेयर सिलेक्ट कर सकते हो। राफ्ट में एयर गैप भी आपको ध्यान रखना होता है, जो डिसाइड करता है कि प्रिंट राफ्ट के कितने ऊपर से स्टार्ट होगी, और ये वैल्यू ऑप्टिमल होनी चाहिए फॉर इजी राफ्ट रिमूवल। क्यूरा में स्कर्ट एंड ब्रिम की तरह ही बिल्ड प्लेट एडिशन टाइप में आपको राफ्ट मिल जाएगा और उसके नीचे राफ्ट के सेटिंग्स भी मिल जाएंगे। राफ्ट का यूज़ एलिफेंट फुट अवॉइड करने के लिए भी कर सकते हैं, अगर आपका बेड लेवल का इशू हो रहा है। अगर आपका बेड परफेक्टली फ्लैट है एंड बेड एडिशन अच्छा है तो राफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। विदाउट राफ्ट आपको बेटर सरफेस फिनिश मिल जाएगी एंड योर फर्स्ट गोल शुड बी टू हैव अ परफेक्टली फ्लैट सरफेस, एंड अगर वो पॉसिबल ना हो देन एंड ओनली देन गो फॉर अ राफ्ट। सो ये था एक वीडियो कवरिंग द बेसिक्स ऑफ बिल्ड प्लेट एडिशन। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, एंड इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें और हमारे चैनल को भी सपोर्ट मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप प्रिंटिंग।